हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं ना प्यारे बच्चों? और अपना पूरा ध्यान रखे रहना, कहीं भी बाहर नहीं आना जाना है। क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे साथ काम करेंगे। चलिए बुक ओपन करते हैं। द टॉपिक इज स्लीपी टॉर्टॉइस, पेज नंबर 9। बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है स्लीपी टॉर्टॉइस, पल्सेस पेस्टिंग। पेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस ऑन द टॉर्टॉइस एज शोन। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें इस टॉर्टॉइस के अंदर डिफरेंट टाइप की पल्सेस को पेस्ट करना है। तो हमें किस किस मटेरियल की सबसे पहले ज़रूरत हुई, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हमारे पास पल्सेस हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास पल्सेस नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर केवल कलर से भी काम कर सकते हो। पल्सेस प्लस फेविकोल, इतने ही सामान की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। अब हम ये सेट कर लेंगे कि हमें कौन सी दाल को किस जगह पर हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी दाल को हम यहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ पर देखिए, अपने दाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ग्रीन लगा लेते हैं, यहाँ पर भी ग्रीन लगा लेते हैं, और यहाँ पर येलो कलर लगा लेते हैं। यहाँ पर रेड वाली पल्स का यूज़ कर लेंगे। आप साथ साथ नोट करते जाओ इस चीज़ को, रेड रेड, इससे हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इस पूरी जगह पर जो कि ये टॉर्टोइस का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर हम येलो कलर का यूज़ कर लेंगे। इसकी टेल में हम यहाँ पर ग्रीन कलर वाली दाल का यूज़ कर लेंगे। अभी इतना करते हैं, फिर आगे और बता देंगे। इस जगह पर येलो पल्स और यहाँ पर रेड वाली पल्स का हम यूज़ करेंगे। पर सबसे पहले हम बच्चों हमेशा की तरह से क्या करेंगे, ब्लैक स्केच पेन से इसकी आउटलाइन तैयार करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप ब्लैक स्केच पेन से इसकी आउटलाइन तैयार करना शुरू करिए। सारे पल्सेस के नेम मैंने, कौन सी पल्स हमें कहाँ पर पेस्ट करनी है, वो मैंने आपको बता ही दी है। ये आप करते रहिए बराबर। तो बेटा, जो हमने यहाँ पर आपको दाल पेस्ट करने के लिए बताई है, उस तरीके से हम यहाँ पर दाल को पेस्ट कर लेंगे। नेम पहले ही मैंने आपको नोट करवा दिए थे, आउटलाइन भी कर ली है। अब इसमें पेस्टिंग की बारी आती है। तो पेस्टिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हमें यहाँ पर रेड कलर लिखा हुआ है, तो रेड कलर जो है, रेड कलर की हमें दाल पेस्ट करनी होगी। तो थोड़ा सा फेविकोल हम पहले लगाएंगे। आप मेरे साथ साथ इस काम को बराबर करते रहिए, और जो मैंने दाल जिस जगह पर बताई है वहाँ पर आप इसकी पेस्टिंग करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप पेस्टिंग करेंगे तो ये सारी दाल तो चिपक नहीं जाएगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगी। तो उसको हटाने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर अपने साथ रखना होगा। ये इस तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पर हमने अब इस दाल की पेस्टिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा होगी जब हम हटाएंगे तो वो अपने आप हट जाएगी, और थोड़ा सा हम फिंगर से इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं येलो कलर, फेविकोल थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दालें हैं और थोड़ी मोटी हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें यूज़ करना होगा। येलो कलर की दाल ये, और यहाँ पर हम इस तरीके से दाल को थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद लास्ट में सूखने के बाद हम न्यूज़पेपर पर उसे हम हटा देंगे, और थोड़ा एडजस्ट भी करेंगे क्योंकि लाइन के अंदर ही रहनी चाहिए, लाइन से बाहर निकल जाएगी तो फिर वो देखने में सुंदर नहीं लगेगी। करते रहिए बच्चों इस तरीके से ये काम, जहाँ जहाँ पर भी जो मैंने आपको दाल बताई है
उसकी आप पेस्टिंग करिए। तो बच्चों काफ़ी सारी हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉर्टोइस में दाल जो है वो पेस्ट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ग्रीन कलर की हमें इसमें दाल पेस्ट करनी है, तो हम फेविकोल लगाएंगे और इसमें ग्रीन कलर की दाल की पेस्टिंग करेंगे। या कोई और भी दाल है आपके पास तो वो पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि दाल नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसमें केवल कलर की भी पेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिराना शुरू करिए और इस काम को बराबर करते रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपकी एक्टिविटी है। दोनों ही इसकी लैक्स में आप ग्रीन कलर की दाल को यूज़ कर लेंगे। करते रहिए बराबर इसी तरीके से इसमें। इस तरीके से बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके नेल्स बनाने हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल यहाँ पर लगाएंगे और एक एक राजमा जो है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए और इस तरह से हमारी ये टॉर्टोइस की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। इसकी इतनी ही सुंदर सी आप एक्टिविटी को तैयार करने के बाद आप इसको इसकी पिक्स बना करके हमें तैयार करके ज़रूर भेजेंगे। ये लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए कुछ और नया लेकर के लिए आएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय, फिर मिलेंगे।